हेलो एवरीवन, दिस इज मी साबिया हियर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग, जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो ये रीडिंग देख सकते हो। इस रीडिंग में हम करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे, लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं, उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, क्या मेजर चेंजेस, क्या मेजर सिचुएशंस डेवलप होने वाली हैं। लेट्स बिगिन। टू फॉन्स, सिक्स ऑफ कॉइन्स, द लवर्स। आप में से कुछ लोगों के लिए राइट नाउ आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर सकते हो, गुजर रहे हो सकते हो। हो सकता है कि आपको फाइनेंशियली आपको काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी फील हो रही है, या फिर रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी फील हो रही हो। नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे लगता है कि आपको अपने आपको थोड़ा सिक्योर फील कराना है। आपके जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी थॉट्स हैं, उनको आपने शिफ्ट करना है टुवर्ड्स पॉजिटिव। अगर आप नहीं करते हो तो आपके लिए सिचुएशन हैंडल करना आसान नहीं रहेगा। आप में से काफ़ी सारे लोग अपने लाइफ को लेकर राइट ना आपको लग रहा है जैसे आप अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल खो रहे हो अपनी लाइफ के ऊपर। आप में से कुछ लोगों को गाड़ियों के ख्वाब भी आ रहे होंगे, जैसे आप ड्राइव कर रहे हो और गाड़ी उल्टी चल रही है या सीधी चल रही है लेकिन आपका कंट्रोल नहीं है। इस तरह के कुछ ख्वाब भी हो सकता है कि आप रिसेंट टाइम्स में देख रहे हो। आपको इस पूरी सिचुएशन में, चाहे वो लव है, करियर है, वर्क लाइफ है, जिसमें आपको लग रहा है कि आपका हाथ से कंट्रोल निकल रहा है, उस पूरी सिचुएशन में आपने सिर्फ एक काम करना है जिससे आपके लिए काफ़ी आसानी हो सकेगी। आपके लिए मुश्किल डिसीजंस जो है वो आसानी से लिए जाने का रास्ता खुलेगा। आपने करना क्या है कि आपने चैरिटी करनी है, डोनेशन करना है। इस इंटेंशन के साथ जो भी आपको मुश्किलें आ रही हैं, उस चैरिटी उसको आप चैरिटी और उस इंटेंशन से उसके लिए ये डोनेशन करके डिवाइन से दुआ करो कि आपकी जो मुश्किल है वो आसान हो जाए। नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे लगता है कि आपके लिए जो बंद रास्ते हैं वो खुल जाएंगे अगर आप ये सब करते हो। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका चैरिटी करना आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को रिमूव करेगा। आपका चैरिटी करना इस इंटेंशन के साथ कि अगर वो लव लाइफ का कोई मामला है जिसमें आपको मुश्किल लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपका कंट्रोल खत्म हो रहा है, आपका कंट्रोल आपके हाथ में वापस आ जाएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा अनएक्सपेक्टेडली जो आपको वापस से सही डायरेक्शन में ले आएगा। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे लगता है कि आपको अपनी पर्सनल पावर वापस आते दिखेगी। आपको लगेगा कि कंट्रोल वापस आ गया है चीज़ों का आपके हाथ में। जैसे अगर रिकन्सिलिएशन हो सकती है, अगर नो कॉन्टैक्ट में हो, अगर पर्सन से फाइट हुई है, डिसएग्रीमेंट हुआ है, तो पर्सन से दोबारा बात हो जाएगी, चीज़ें फिक्स कर पाओगे। कुछ खोते खोते वापस आपको मिल सकता है, तो उसकी चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है आपको ब्रेक थ्रू मिल सकता है जिन चीज़ों को लेकर आप अपसेट हो, उन चीज़ों को लेकर। सो अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरलोड फील कर रहे हो फाइनेंशियली, मेंटली, रिलेशन वाइज, मुझे लगता है कि आपको आपकी जो ड्रेनिंग एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी। कुछ अच्छा, कोई गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर आप चैरिटी डोनेशन करते हो इस इंटेंशन के साथ, सिर्फ तभी। अगर आप नहीं करते हो तो आपके जो थॉट है, जो आपका एक फीलिंग स्टेट है, वो ऐसा ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। नेक्स्ट 48 आवर्स में स्टिल आप इंडिसाइसिव रहोगे, स्टिल आप सोचोगे कि मेरी लाइफ में मेरा हाथ में कंट्रोल क्यों नहीं है। अगर आप इस चीज़ को, इस थॉट को बदलना चाहोगे तो आपको वो करना है जो मैंने मेंशन किया। लेट्स सी कि और क्या हो सकता है आपकी लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स में। टर्जल, मनी कमिंग स्लोली, स्टेडी प्रोग्रेस, मूविंग फॉर वर्क इन गुड टाइम, लॉन्ग टर्म। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लग रहा होगा कि आपकी ज़िंदगी काफ़ी स्लो चल रही है। जो आप चाह रहे हो फाइनेंशियली गेंस, जो आप चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी में, वो हो नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने मनी को बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हो, डोनेशन नहीं कर रहे हो, चैरिटी नहीं कर रहे हो, किसी को खाना नहीं खिला रहे हो। आपकी ज़िंदगी में आप अपने पैसों के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाह रहे हो और उतना ही पैसा आपके हाथ से निकली जा रहा है। कोशिश करो कि आप हैप्पीली जॉयफुली किसी को खाना खिला दो, हैप्पीली जॉयफुली किसी गरीब को पैसे दे दो, हैप्पीली जॉयफुली कोई कपड़ा डोनेट कर दो। उससे आपकी मनी ब्लॉकेजेस रिमूव होना शुरू हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में जो आपका मनी से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेट्स टेक सम कार्ड्स फॉर योर लव लाइफ नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। क्या करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या होने वाला है आपकी लाइफ नेक्स्ट 48 आवर्स में। ओके, लेट मी पिक द कार्ड अप। सो लव लाइफ के कार्ड्स देख लेते हैं। जो कार्ड्स घिरे थे सिर्फ उन्हीं को हम इंक्लूड करेंगे।
तो पहला कार्ड है स्टे स्ट्रांग, फाइट फॉर लव बट चूज योर बैटल्स वाइजली, करेज लॉयल्टी ट्रुथ। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको अपनी लव लाइफ को लेकर स्ट्रांग रहना पड़ेगा। आपको अगर लग रहा है कि कनेक्शन हाथ से छूट रहा है तो उस कनेक्शन को आपने छूटने देना है जहां पे लॉयल्टी नहीं है, जहां पर ट्रुथ नहीं है। अगर आपको पता है कि आपका पर्सन ट्रुथफुल है, लॉयल है, तो चूज फॉर दिस कनेक्शन, चूज टू बैटल फॉर दिस कनेक्शन, फाइट करो इस कनेक्शन के लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको ऐसे कनेक्शन को होल्ड नहीं करना है, आपको उसको जाने देना है। अगर आपको पता है कि पर्सन की लाइफ में कोई और इंसान है तो आपने उस कनेक्शन को छोड़ देना है, उसको जाने देना है, उसको होल्ड नहीं करके रखना है। आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी वापस आ जाएगी, कंट्रोल वापस आ जाएगा। द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रांग रूट्स, बिल्डिंग अ फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट विद समवन, फेथफुल फ्रेंड्स फर्स्ट। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो, आपका आपकी लाइफ में नए रिलेशनशिप्स बन सकते हैं। लेकिन ये रिलेशनशिप्स तभी बनेंगे जब आप पास के सिनेरियो से अपने आप को निकाल सकोगे। आप देयर इज समथिंग जिसको आप होल्ड कर रहे हो, आपको उसको जितना आप होल्ड करने की कोशिश करोगे उतना वो आपके हाथ से स्लिप अवे कर रहा है। सो कोशिश करो कि सरेंडर करना सीखो अपनी लाइफ में इस सिचुएशन को लेकर, जहां पर आप लव लाइफ के बारे में ऑब्सेस हो रहे हो उसको सरेंडर कर दो, उसको छोड़ दो उसके हाल पे। आपकी लाइफ में खुद ब खुद लोग आएंगे, कनेक्शंस बनेंगे जहां पर आपका चांस बनेगा कि आप किसी से मिल सके, आपकी रिलेशनशिप में कुछ नया आ सके। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी फ्रेंडशिप होगी कुछ लोगों के साथ नेक्स्ट वाली टावर्स में, जो कि आपकी लाइफ में तभी आ सकेंगे जब आप अपने ऑब्सेशन को साइड पे करोगे। अगर आप ऑब्सेसिव बिहेवियर में ही रहोगे तो आपके लिए जो लोग आपकी जिंदगी में आएंगे वो नेगेटिव होंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी वल्नरेबल हो टू गेट हर्ट, क्योंकि आप लव के एंगल से किसी कनेक्शन को देख रहे हो। आपने वो नहीं करना है। बी ओपन टू बी फ्रेंड्स और फिर देखो कि कनेक्शन कहाँ जाता है, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करो। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है और रिलेशनशिप उस जगह नहीं जा रहा जहां पे आप लेकर जाना चाहते हो, कोशिश करो कि आप किसी कनेक्शन को पुश फॉरवर्ड नहीं करो। अगर आप पुश फॉरवर्ड करोगे आप डिसअपॉइंट होगे, आप ड्रेन फील करोगे उस कनेक्शन में और आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी जो आप चाहते हो। तो बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना कि जिस तरह के लोग हैं आपकी जिंदगी में, आर दे वर्थ कि आप उनके लिए फाइट करो या फिर आपको उनको छोड़ देना चाहिए। सो वो आप खुद डिसाइड करोगे अपनी सिचुएशन को देखकर। बी पेशेंट एंड गिव टाइम अ चांस टू वर्क इट्स मैजिक। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके लव लाइफ में काफी ज्यादा लफड़े हो रहे हैं, आपको काफी ज्यादा फील हो रहा है कि आपकी लव लाइफ में ऑनेस्ट जो है रिलायबल पर्सन नहीं है आपकी जिंदगी में, और आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि मतलब मैं शायद हमेशा ही अनलकी रहूंगा लव के मामले में। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अगेन किसी इस थॉट के साथ, आपने किसी रॉन्ग कनेक्शन के साथ चिपके नहीं रहना है, आपने लेट गो करना है, कनेक्शन को खत्म करना है। उससे आपकी लाइफ का स्ट्रेस आधा तो खत्म हो जाएगा, जो बाकी आधा है वो आप अपने आप को हील जब करोगे तो ऑटोमेटिकली आप स्ट्रांग हो जाओगे। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। डिप्रेशन से निकलने के लिए आपको अपने हेल्थ के ऊपर काम करना पड़ेगा। गो आउट, वॉक इन द नेचर, फ्रेंड्स के साथ बात करो, दोस्तों से मिलो, इन चीज़ों के ऊपर टाइम लगाओ रादर दैन वेस्टिंग योर टाइम क्राइंग ओवर समवन जो कि आपका आपके टाइम का यू नो वर्दी भी नहीं है। तो ऐसी किसी भी सिचुएशन से अपने आप को आपने निकाल लेना है नेक्स्ट 48 आवर्स में। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। फ्लटरिंग हार्ट, एंजॉय द रोमांस एंड डिसाइड इफ यू वांट मोर, स्वीट फ्लीटिंग फ्यूचर। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए अगर आप किसी हैप्पी रिलेशनशिप में हो तो आप इस रिलेशनशिप के लिए फाइट भी करो, जैसे मैंने पहले कहा। दूसरा, आप में से कुछ लोगों के लिए आपका आपके पर्सन के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है और आप एक दूसरे के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहोगे और ज़्यादा इस कनेक्शन को टाइम देना चाहोगे और आप दोनों खुश भी रहोगे। अगर आप खुश भी हो तो कोशिश करो कि इस कनेक्शन की इंटेंशन से आप डोनेशन करो ताकि इस कनेक्शन के ऊपर किसी भी नेगेटिव चीज़ का इन्फ्लुएंस ना आए, तो हेल्दी वे में कनेक्शन आगे चलता रहेगा। बट आपने अपने कनेक्शन के लिए आपको स्टिल फाइट करना पड़ेगा लोगों से, अपने आप से, अपने आसपास के लोगों से, फ्रेंड से, फैमिली से, लेकिन उसमें आप खुश रहोगे। और अगेन चैरिटी डोनेशन, आपको इस तरह की नेगेटिव एनर्जी जो लोगों की वजह से आ रही है आपके कनेक्शन में, उससे भी आप अपने कनेक्शन को बचा सकोगे। डिवाइन मैच, फॉलोइंग योर डेस्टिनी, अ लव दैट्स मेंट टू बी, सोलमेट, ट्विन फ्लेम। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए आपका ये कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए जो नया पर्सन आएगा वो सोलमेट कनेक्शन हो सकेगा, जो कि डिवाइन आपकी जिंदगी में ला रहा है, जो कि आपको खुश रखेगा, पॉजिटिव रखेगा। अगर आपका कनेक्शन अच्छा नहीं है, नेगेटिव है, आपको बुरा फील कराता है, तो देन ये सोलमेट कनेक्शन नहीं है, देन ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है। अगर आपका कनेक्शन आपको हैप्पी, आपका कनेक्शन ओवरऑल अच्छा है, लेकिन देन अदरवाइज ब्लॉकेजेस आ रहे हैं फैमिली की वजह से, दोस्तों की वजह से, काम की वजह से, तो देन आपको इस कनेक्शन के लिए फाइट करना पड़ेगा दोनों को।
और अगर अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो आपको इस कनेक्शन से अपने आप को आजाद करना है। आपको बिलीव रखना है कि आप इससे ज्यादा अच्छा डिजर्व करते हो, और डिवाइन को आप सौंप दो ये काम कि वो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर लेकर आए जो आप डिजर्व करते हो। सो मुझे लगता है कि मेजोरिटी लोगों के लिए आपकी लाइफ में थोड़ी डिले या लेट बैक एनर्जी है जो चल रही है आपकी जिंदगी में। आपको काफी चीजों का लगेगा कि आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, लेकिन कंट्रोल आपके हाथ में है। आप सही डिसीजंस लो, सही लोगों को अपनी लाइफ में रखो, गलत लोगों को टाटा बाय बाय करो, गलत लोगों को किकआउट करो अपनी लाइफ से, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे वो लवर्स हैं, चाहे वो सिचुएशनशिप्स हैं। आपको ऐसे लोगों से अपने आप को दूर करना है। अगर आप ये कर लेते हो तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। आपको जो एक लैक ऑफ एनर्जी फील हो रहा है, लैक ऑफ पॉजिटिविटी फील हो रहा है, वो नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट बार ये टावर्स एंड उसके बाद भी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी रहे, आप मेंटली पीस में रहो, तो उसके लिए आपको ये सब करना है जो मैंने मेंशन किया है। अगर आप नहीं करते हो तो आपका मेंटल ओवरलोड जो है वो चलता रहेगा, आपका एक ड्रेनिंग एनर्जी रहेगी जो कि आपको और बुरा फील कराएगी। सो या ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिला हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर, बाय।